जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर होगरे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो यूएसए है वो अपने सोल्जर्स यूक्रेन में क्यों नहीं भेज रहा है रशिया को कंट्रोल करने के लिए, जैसे यूएसए ने अफगानिस्तान में अपने सोल्जर्स भेजे थे तालिबान को कंट्रोल करने के लिए। तो यहां पर भी तो वो अपने सोल्जर्स भेज सकता है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इतने वेल ट्रेंड सोल्जर्स है, तो वो तो रशिया को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्यों यहां पर यूएसए जो है वो अपने सोल्जर्स नहीं भेज रहा है वो हम यहां पर जानेंगे। तो काफी दिलचस्प वीडियो होने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, रशिया जो यूक्रेन पर हमला किया है, बेसिकली ये यूक्रेन जो है प्रॉक्सी वॉर का एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो रशिया जो है वो यूक्रेन पर अटैक नहीं, लेकिन डायरेक्ट अटैक जो है वो यूएसए पर कर रहा है, क्योंकि यूएसए अपनी एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी जो है उसके जरिए यूरोपियन कंट्रीज को नाटो के अंदर में ला रहा है। नाटो क्या है ये हम सभी ने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। तो यहां पर रशिया जो है वो डायरेक्ट अटैक कर रहा है यूएसए पर, ताकि यूएसए यूरोपियन कंट्रीज को जो नाटो है उसके अंडर में ना ला पाए। यूरोपियन कंट्रीज डरे कि अगर हम नाटो में चले गए तो रशिया जो है वो हम पर अटैक कर सकता है। यूएसए इसके बदले में क्या कर रहा है, यूएसए रशिया पर सैंक्शंस लगा रहा है। अब इकोनॉमिक सेक्शन जो है क्या उससे फायदा होगा, इस पर जाने से पहले एमएम एकेडमी ऐप के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। एमएम एकेडमी ऐप पर आपको बहुत सारे कोर्सेज जो है वो देखने को मिलेंगे, जो आपको यूपीएससी के लिए, स्टेट पीएससी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रह सकते हैं। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज आपके लाए जा रहे हैं, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी बोलिए, उसी के साथ साथ इकोनॉमी, पॉलिटी, गवर्नेंस, जो हमारा एनवायरमेंट है, जो इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट है, मतलब GS 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोवेस्ट प्राइजेस पर। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो डेमो लेक्चर जो है वो भी आप देख सकते हो। डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए आते हैं हमारे टॉपिक पर। सवाल ये खड़ा होता है कि यूएसए अपनी आर्मी यूक्रेन में क्यों नहीं भेजता है रशिया को कंट्रोल करने के लिए। अब इसके दो प्रोमिनेंट कारण देखने को मिलता है। उसमें से पहला है कि यूएसए जो है वो एक नाटो कंट्री है, और इसीलिए अगर यूएसए डायरेक्ट वॉर में एंटर होता है, क्योंकि अगर यूएसए अपने सोल्जर्स अगर यूक्रेन में भेजता है रशिया से फाइट करने के लिए, इसका ये मतलब हुआ कि यूएसए डायरेक्ट वॉर में चला गया है रशिया के साथ। और अगर यूएसए डायरेक्ट वॉर में चला गया है तो नाटो जो है उनके अग्रीमेंट में ही ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी नाटो कंट्री पर कोई कंट्री वॉर डिक्लेयर करती है तो बाकी जो कंट्रीज है वो ये कंसिडर करेंगे कि उन पे डायरेक्ट वॉर हुआ है और वो सभी उस कंट्री के अगेंस्ट में भिड़ जाएंगे। अगर यूएसए अपने सोल्जर्स भेजता है तो डायरेक्ट वॉर में ही चले जाएंगे। तो अगर डायरेक्ट वॉर में हो जाते हैं तो बाकी नाटो कंट्रीज जो है उनको भी उस वॉर में एंटर होना पड़ेगा, और अगर बाकी नाटो कंट्रीज भी वॉर में एंटर होते हैं तो वो एक वर्ल्ड वॉर 3 यहाँ पर बनकर रह जाएगा। और वर्ल्ड वॉर 3 अगर यहाँ पर होता है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो बहुत बुरे होते हैं। वर्ल्ड वॉर 1, 2 के थ्रू हमें पता चलता है कि जब भी वर्ल्ड वॉर होता है, जब भी कोई वॉर होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत बुरे होते हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेज कौन कौन से हैं, जैसे कि जीनोसाइड, मैसेकेयर, मास बॉम्बिंग, डिसीज, स्टारवेशन, इकोनॉमिक लॉस, ऐसी इत्यादि बहुत सारे जो लॉस है वो यहाँ पर ह्यूमंस को भुगतने पड़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई है, अलग अलग तरीके के जो इक्विपमेंट्स है वो आ गए हैं, और इसके थ्रू यहाँ पर जो बाकी लोग है, जो जनता है, वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से सफर करती है। इसीलिए जो वॉर है ये बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं होता है। और वर्ल्ड वॉर 3 अगर हो तो फिर कोई भी जीते, लेकिन जो नुकसान है वो ह्यूमंस का यहाँ पर बहुत बुरी तरीके का होगा। इसीलिए यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 होना ना ही रशिया के लिए, ना ही यूएसए के लिए, ना ही यूक्रेन के लिए, और ना ही पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। तो यही बेहतर होगा कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन क्रिएट ही ना हो। दूसरा यहाँ पर जो रीजन है वो देखने को मिलता है कि पुतिन जो है वो यहाँ पर न्यूक्लियर स्वॉर्ड यहाँ पर लगाए हुए हैं वेस्ट के लिए। मतलब यहाँ पर जो रशिया है, जो पुतिन है, उन्होंने ये सीधे तरीके से, मतलब यहाँ पर कोई डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं, सीधे तरीके से, मतलब मुंह पे ये कहा है। मतलब समझ लीजिए कि यूएसएसआर जो है डिसॉल्व होने के बावजूद, यहाँ पर जो कंसिडरेबल पार्ट ऑफ कैपेबिलिटीज है वो लूज करने के बावजूद, क्योंकि यूएसएसआर पहले एक था, उसके बाद 1991 में डिसइंटीग्रेट होता है, उसके बावजूद यहाँ पर रशिया के पास मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर स्टेट है, मतलब रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। और अगर यहाँ पर कोई भी फॉरेन कंट्री अगर इंटरफेयर करती है रशिया के इन्वेजन में, जो यूक्रेन में वो कर रहा है, तो फिर न्यूक्लियर वेपन जो उसका भी इस्तेमाल रशिया के द्वारा किया जा सकता है। और यही डर है कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हो जाते हैं तो उसका हर्ष जो है बहुत बुरी तरीके का होगा। मतलब वो जो देश है जहां पर न्यूक्लियर वेपन यूज होगा, वो तो मतलब लोग वहां पर रह ही नहीं पाएंगे, पूरा तहस नहस बर्बाद हो जाएगा।
अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये आता है कि रशिया पर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं यूएसए के द्वारा, क्या वो इम्पैक्टफुल रहेंगे? क्योंकि सोल्जर्स भेजना ये सोल्यूशन नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर यूएसए जो है उसने वेरियस सैंक्शंस यहाँ पर लगाया है रशिया पर, जिसमें हमें स्विफ्ट बैन जो है वो भी देखने को मिलता है, और ये कंसिडर किए जा रहे हैं वन ऑफ दी हार्श यहाँ पर जो सैंक्शंस हैं वो कंसिडर किए जा रहे हैं जो रशिया पर लगाए गए हैं। 2014 में भी लगाए गए थे जब क्रीमिया पर अटैक किया था। अब यहाँ पर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं ये बहुत ही बुरी तरीके के हैं ऐसा माना जा रहा है। सवाल ये आता है कि अब स्विफ्ट क्या है जो यहाँ पर बैन लगाया जा रहा है, तो स्विफ्ट है क्या बेसिकली, ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो स्विफ्ट के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्विफ्ट अगर हम देखते हैं तो ये स्टैंड करता है, फुल फॉर्म है इसका, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जो वर्ल्ड का इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क है जो बाकी बैंक्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने के लिए। ये काफी सिक्योर्ड है, काफी एक्यूरेटली जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो इससे होते हैं। मनी ट्रांसफर अगर करना है तो काफी सुदृढ़ अच्छे तरीके से यहाँ पर मनी ट्रांसफर जो है वो किया जाता है। अब इसके एग्जांपल के थ्रू इस चीज को हम समझ लेते हैं, ताकि एग्जांपल से जब हम समझेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि भाई स्विफ्ट जो है ये काम कैसे करता है, और जब स्विफ्ट पर बैन लगाया गया है तो अब रशिया जो है उस पर क्या इम्पैक्ट इसका हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर यूएसए है और यहाँ पर रशिया है। अब समझ लीजिए कि यहाँ पर यूएसए में कोई एक इंसान है और यहाँ पर रशिया में कोई एक इंसान है। अब यूएसए का जो बंदा है उसको रशिया में जो उसका रिलेटिव है या कोई भी है उसको कुछ पैसे भेजने हैं, मनी ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहले तो वो क्या करेगा, अपने बैंक में जाएगा जो यूएसए में है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर स्विफ्ट कोड, क्योंकि ये जो बैंक है पर्टिकुलर स्विफ्ट कोड जो है हर किसी बैंक को दिए हुए होते हैं, इसीलिए जब भी आप पैसे ट्रांसफर करते हो तो आपका IFSC कोड, जैसे हमें हमारे देश में भेजना होता है तो IFSC कोड लगता है, उसी तरीके से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना है तो उसमें स्विफ्ट कोड जो है वो भी देना होता है और हर बैंक के पास होता है। तो यहाँ पर स्विफ्ट कोड देगा, ये बैंक क्या करेगी, ये बैंक जब पैसे भेजना है तो स्विफ्ट कोड जो है उसका इस्तेमाल करेगी, और स्विफ्ट कोड के जरिए जो पैसा है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा जो रशिया में बंदा रह रहा है उसके अकाउंट में। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर स्विफ्ट यहाँ पर डीएक्टिवेट कर दिया जाए रशिया में, जो स्विफ्ट है अगर उसको बैन कर दिया जाए तो जो ट्रांजेक्शन है वो हो ही नहीं पाएंगे। मतलब किसी को भी अगर रशिया में कोई बंदा है, अगर उसको एक्सपोर्ट करना है अपना कोई प्रोडक्ट, तो उसको पैसा जो है, क्योंकि वो डॉलर्स में आएंगे तो पैसा जो है वो नहीं ले पाएगा। अगर समझ लीजिए इंपोर्ट करना है, क्योंकि रशिया के पास बहुत ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व रखा हुआ है, फॉरेक्स रिजर्व में जो डॉलर्स है बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, डॉलर्स का इस्तेमाल कब होगा, जब कोई चीज़ वो इंपोर्ट करेगा, कोई चीज़ उसने इंपोर्ट किया, समझ लीजिए कि अगर रबर जो है वो इंपोर्ट कर रहा है, उसके लिए अगर उसको $10 पे करने हैं, $10 जो है वो पे ही नहीं कर पाएगा। तो स्विफ्ट बैन की वजह से यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके का यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन ग्लिच है वो यहाँ पर रशिया में आ सकता है, और इस तरीके से रशिया जो है अब वो कोई भी ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पर नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से जो भी ट्रेड है, जो भी कंट्री से उसके ट्रेड रिलेशंस है, वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से हैम्पर हो सकते हैं। अब रशिया की यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी ट्रेड रिलेशंस है, लेकिन यहाँ पर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं यूएसए के द्वारा, ट्रेड रिलेशन यहाँ पर काफी ज्यादा हैम्पर होंगे, और इसका जो असर है वो रशिया पर बिल्कुल हमें देखने को जो है वो मिलेगा। अब यहाँ पर जो रशिया है उसकी जो एबिलिटी है बिजनेस करने की डॉलर्स में, यूरोस में, पॉन्ड्स में, येन में, क्योंकि सभी ने यहाँ पर सैंक्शन लगाए हुए हैं, तो इस वजह से क्या होगा, अब रशिया जो है बिल्कुल भी इन सभी करेंसीज में ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा। देखिए 2014 में जो सैंक्शन लगाए गए थे उसके बाद ये पाया गया कि रशिया पर एकदम इमीडिएट इफेक्ट जो है सैंक्शंस का वो नहीं लगा है। अब यहाँ पर रशिया के द्वारा ये भी बोला गया कि अगर कोई देश सैंक्शन लगा रहा है, मतलब बेसिकली ये वॉर जैसी सिचुएशन ही क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पर रशिया का अगर दिमाग फिर गया, पुतिन का अगर दिमाग फिर गया, अगर उसको ऐसा लगा कि यूएसए ने सैंक्शन लगाया, मतलब यूएसए डायरेक्ट वॉर में आ गया है, तो यहाँ पर जो रशिया है वो थोड़ा मतलब अग्रेसिव होकर यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो इस्तेमाल ना कर ले, ऐसा भी डर जो है वो सभी तरफ मंडरा रहा है। लेकिन खैर यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज है इंक्लूडिंग यूएसए, उन्होंने कहा है कि भाई डायरेक्टली हम यहाँ पर वॉर में जो है वो इन्वॉल्व नहीं होने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर पुतिन के द्वारा धमकी जो है वो दी गई है कि अगर कोई भी वॉर में आता है तो सीधा न्यूक्लियर वेपन जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरीके से हमें पूरा एनालिसिस जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हमें उम्मीद करता हूँ आपको जो समझ में आ गया होगा कि भाई इम्पैक्ट जो है वो क्या होने वाला है सैंक्शंस का, और क्यों यहाँ पर यूएसए जो है अपने सोल्जर्स नहीं भेज रहा है यूक्रेन में ताकि रशिया से फाइट कर सके। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है, लेकिन MM Academy ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ पर जरूर कीजिएगा। उसी के साथ साथ आप विजिट कर सकते हो वेबसाइट themacademy.in, और अगर आप ये वेबसाइट विजिट करते हो तो यहाँ भी आपको वेरियस कोर्सेज जो है वो देखने को मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में।
तो वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।